वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, भारत के खिलाफ दो फ्रंट पर मोर्चा खोल रहा है पाकिस्तान, आतंकियों के संपर्क में है चीनी सेना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर भारत और चीन के बीच जारी तनाव का फायदा पाकिस्तान उठाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने नॉर्थ लद्दाख में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। इसके साथ ही चाइनीस आर्मी आतंकी संगठन अल बद्रा से बात कर रहा है। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने सैनिकों के दो डिवीजन को गिलगित बाल्टिस्तान इलाके में तैनात किया है। पाकिस्तान की ओर से करीब 20,000 अतिरिक्त सैनिकों की नॉर्थ लद्दाख में तैनाती की गई है। सोर्सेस के मुताबिक पाकिस्तान दो फ्रंट वॉर का अवसर देख रहा है। वही चाइनीज आर्मी ने जम्मू कश्मीर में हिंसा फैलाने के लिए आतंकी संगठन अल बद्रा से बात की है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI चीन के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा और यहां तक बैट ऑपरेशन को अंजाम देने का प्लान बना रही है। सूत्रों का कहना है कि कश्मीर में मौजूद सब आतंकवादियों की मदद ली जा सकती है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और हाल में 120 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। इसमें अधिकतर लोकल थे। मारे गए आतंकवादियों में कुछ ही विदेशी आतंकी थे। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन से ही पाकिस्तान खौफ में है और नए हथकंडे अपना रहा है। सूत्रों का कहना है कि दो फ्रंट वॉर की स्थिति में पाकिस्तान ने कश्मीर में मौजूद आतंकवादियों से सुरक्षा बलों पर हमला करने का प्लान बनाया है। इस इनपुट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है और ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में बस इतनी जानकारी है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आज़ाद भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।